जिन्ना साहब जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ये मालूम है आपको? और इधर से जवाहरलाल नेहरू साहब जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, यही बात थी। लेकिन जिन्ना साहब को प्रधानमंत्री ना बनाने के कारण अलग पाकिस्तान बना दिया कि मुसलमान प्रधानमंत्री ना बने। क्यों पाकिस्तान बना दिया? अलग राज्य इसलिए बना दिया कि मुसलमान प्रधानमंत्री ना बने, भले ही अलग राज्य बनाना पड़ जाए, चाहे देश के टुकड़े करने पड़ जाए, लेकिन मुसलमान प्रधानमंत्री ना बने। यही बात थी कि और कोई बात तो नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान बना। नहीं तो हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग एक साथ रहते थे। आजादी की लड़ाई हम लोगों ने साथ में लड़ी, सब लोगों ने। हमारे मन में कोई फर्क था कभी पाकिस्तान का? कभी हमने सोचा था कि बनेगा पाकिस्तान? लेकिन सिर्फ गांधी जी ने इसलिए पाकिस्तान बनवा दिया कि जिन्ना को प्रधानमंत्री ना बनाना पड़े, मुसलमान प्रधानमंत्री ना बने, तो इसलिए अलग राज्य बना दो। यही बात थी कि और कोई बात थी इसके अलावा? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, शायद मेरी उम्र कम होगी लेकिन मैं इससे गलत नहीं बोलूंगा मैं। तो भाइयों, अगर आज पाकिस्तान अगर कोई नापाक हरकत कर रहा है, अगर कोई गलत हरकत कर रहा है, एक घर के अंदर छोटा बच्चा भी गलत निकल आता है, कई बार छोटा भाई भी गलत निकल आता है, अगर पाकिस्तान कोई गलत हरकत कर रहा है तो उसकी सजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? मैं ये मोदी साहब से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि गलती अगर पाकिस्तान कर रहा है तो हिंदुस्तान का मुसलमान सच्चा मुसलमान है, ईमानदार मुसलमान है, जो आज तक हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ है, अगर ये मुसलमान गद्दार होता, ये गलत होता, तो ये भी पाकिस्तान में जाके बैठा होता। लेकिन अगर यहाँ का जो मुसलमान है, इनफा हम लोग अगर बात करें तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, अपने बच्चों को पालता है, अपनी हक हाँ लाल की कमाई करता है, मेहनत करके